लंबे बालों वाली परी। परियों की दुनिया में कोमल नाम की परी रहती थी। कोमल परी रानी परी की बेटी थी। वो बाकी परियों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि बचपन से ही कोमल परी के सर पर कम बाल थे। इस वजह से वो बहुत चिंतित रहती थी। कम बाल होने की वजह से उसमें आत्मविश्वास की भी कमी थी। उसके बाल ना होने के कारण उसकी सभी सहेलियां उसको चिढ़ाती थी। इस वजह से वो अपने कमरे में ही रहती थी और बहुत ही कम बाहर निकलती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल परी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर रानी परी आई और बोली, कभी कभी तो घर से बाहर निकला करो, हमेशा घर में रहना अच्छा नहीं होता। लेकिन माँ, मुझे बाहर नहीं जाना, यहाँ पर कोई परी भी मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती। जब भी मैं बाहर जाती हूँ सभी मेरा मजाक बनाते हैं। बेटी, तुम्हें दूसरों की बातें सुनकर दिल छोटा नहीं करना चाहिए। एक काम करो, बहुत दिन हो गए, मैं किसी परी से कह दूंगी कि तुमको बाहर घुमा कर ले आए। नहीं माँ, मुझे बाहर नहीं जाना, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर रानी परी कोमल परी को बाहर जाने के लिए जोर लगाने लगी, तो कोमल परी रोने लगी और उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक बूढ़ी परी आती है। वो कोमल परी के कमरे के बाहर आई और बोली, क्या हुआ रानी माँ, कोमल बेटी रो क्यों रही है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर, आप अंदर आइए ना, आप तो मुझसे इतनी बड़ी हैं, मैं भी आपको मानती हूँ, आप ही इसको एक बार समझाइए। ये सुनकर बूढ़ी परी कोमल परी के कमरे में आई और कोमल परी से बोली, कोमल बेटी तुम रो क्यों रही हो, क्या चाहिए तुम्हें, तुम मुझे बताओ, मैं तो तुम्हारी दादी जैसी हूँ। तब कोमल उस बुजुर्ग परी को सब बताती है। ये सुनकर बूढ़ी परी हंसने लगी और मुस्कुराते हुए कोमल परी से बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो, मैं खुद भी तुम्हारी जैसी ही थी पहले। तुम्हारी माँ से पहले यहाँ पर एक रानी परी थी, उन्होंने मुझे एक चीज दी थी जिससे मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई थी, और मैं वो चीज तुम्हें देकर तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। क्या सच में मेरे भी बाल बाकी परियों की तरह हो जाएंगे? परियों से क्या, तुम सभी से सुंदर लगोगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इतना कहकर बूढ़ी परी कोमल परी को अपने साथ ले गई और घर पहुंचकर कोमल परी से बोली, कोमल बेटी तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बूढ़ी परी अपने कमरे में से लंबे और काले बाल लेकर आती है और आकर अपने जादू से वो बाल कोमल परी को लगा देती है। अरे ये तो बिल्कुल असली बाल जैसे हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये नकली बाल हैं। पर ये तो असली बालों से भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हैं। ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये एक जादुई बाल है। ये मुझे पहले रानी परी ने दिए थे। ये बाल हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम इन बालों की मदद से जो चाहोगी वो कर सकोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने सुंदर बाल दिए। मैं सभी परियों को मेरे बाल दिखाऊंगी और कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं अब चलती हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है। इतना कहकर कोमल परी वहाँ से नाचते हुए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। कोमल परी को अपना खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस मिल गया। वो रोज दूसरी परियों के साथ घूमने लगी। उसके बहुत सारे नए नए दोस्त बन गए। ऐसे ही एक दिन कोमल परी बाहर जा रही थी, तब उसने देखा कि रानी परी बहुत सारे सोने और चांदी लेकर कहीं जा रही है। माँ, आप ये सारा सोना चांदी लेकर कहाँ जा रही हो? बेटी, मैं पृथ्वी लोक पर जा रही हूँ। वहाँ के गरीब लोग बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाकर उनकी मदद करती हूँ, ये सब सोना और चांदी देकर। माँ, मुझे भी वहाँ जाकर वहाँ के लोगों की मदद करनी है। बेटी, अभी मैं तुझे वहाँ पर नहीं ले जा सकती, तुम जब और बड़ी हो जाओगी तब तुम सबकी मदद करना। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली गई। रानी परी की बात सुनकर कोमल परी अपनी सहेलियों के पास गई और बोली, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, तुम
तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए? तुम तो रानी परी की बेटी हो, तुम तो जो चाहो वो कर सकती हो। मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, मैं वहाँ जाकर उनकी मदद करना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारे पास सोने और गहने तो हैं ही नहीं। मेरी ये जादुई लंबे बाल है ना, इसकी मदद से मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। कल सुबह तुम सब तैयार रहना, हम पृथ्वी लोक चलेंगे। अगले दिन कोमल परी अपनी परी सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक जाती है। वहाँ जाकर वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती है। अपने लंबे बालों की मदद से जिसको जिस जिस चीज की जरूरत थी, कोमल परी उनको अपने जादुई बालों की मदद से सब चीजें दे रही थी। ऐसा चलता रहा और कोमल परी को गरीब लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगा और वो रोज रोज पृथ्वी लोक जाकर गरीबों की मदद करने लगी। कुछ दिनों में ही ये बात सारी परियों को पता चल गई और सब लोग कोमल परी की तारीफ करने लग गए। लेकिन ये बात कोमल परी की एक सहेली मोनिका परी को अच्छी नहीं लगती। वो मन ही मन कोमल परी से चिढ़ने लगी और मोनिका परी कोमल परी को सबक सिखाने की तरकीब ढूंढने लगी। कुछ देर बाद मोनिका परी के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मन ही मन सोचने लगी, ये सब कोमल परी अपने उन जादुई बालों की वजह से कर रही है। अगर मैं वो जादुई बाल छीन लूं तो मैं भी उसके जैसा काम कर सकती हूँ और फिर मैं भी दूसरों के दिल जीत पाऊंगी। ये सोचकर मोनिका परी अगले दिन कोमल परी के घर जाती है। मोनिका परी कोमल परी के कमरे में जूस लेकर जाती है। कोमल, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, मैंने ये अपने हाथों से बनाया है। अपनी सहेली की बात सुनकर कोमल परी ने वो जूस पीना चालू कर दिया। जैसे ही उसने वो जूस पिया वो बेहोश हो गई। फिर मोनिका परी ने कोमल परी के सर में से वो बाल निकाल लिए और जैसे ही उसने अपने सर पर बाल लगाए उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी और पूरा शरीर आग से जलने लगा। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है मुझे, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। देखते ही देखते मोनिका परी राख हो गई। वो बाल खुद ब खुद कोमल परी के सर में आ गए और थोड़ी देर बाद जब कोमल परी को होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। परीलोक में सिर्फ कोमल परी के ही चर्चे थे, इसलिए कोमल परी को परीलोक की रानी परी बना दिया गया और उस दिन से कोमल परी हंसी खुशी रहने लगी। प्रतिभा अपनी माँ में बिंदु और अपनी बहन आयुषी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही किसी कार हादसे में प्रतिभा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मामी बिंदु उसको अपने घर ले आई और उसकी मामी बिंदु उससे बहुत काम करवाती थी। बिंदु की बेटी आयुषी बहुत ही सुंदर थी और प्रतिभा भी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन आयुषी यही सोचती थी कि उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। जिस तरह से बिंदु प्रतिभा पर अत्याचार करती, वैसे ही आयुषी भी प्रतिभा पर बहुत अत्याचार करती थी। प्रतिभा आयुषी को अपनी बहन मानती थी, लेकिन आयुषी प्रतिभा से हमेशा बुरा व्यवहार करती थी। आयुषी हमेशा खुश रहती थी, वहीं प्रतिभा हमेशा उदास रहती थी, क्योंकि एक तो उसके माता पिता नहीं थे और ऊपर से उसकी मामी उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता था। बिंदु हमेशा प्रतिभा को ताने मारती रहती थी। एक तो तेरे माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए और तेरे को मेरे सर पर छोड़ गए। लेकिन मामी, लाए तो आप ही थे ना मुझे घर से, तू अकेली अपना गुजारा कैसे कर लेती? तेरे को एक समय का खाना तो मिल रहा है, और अगर अकेले रहती ना तो एक समय का खाना भी नहीं मिलता। किसी तरह मैं अपना गुजारा कर ही लेती, मुझे क्या पता था आप मुझे यहाँ लाके मेरे पर अत्याचार करोगी, इतना काम करवाओगी, इससे अच्छा तो मैं अकेले ही रह लेती। अच्छा मुझसे जवान लड़ाएगी, एक समय का खाना मिल रहा है ना वो ही बहुत है, समझी? इसको सब कुछ फ्री में मिलता है तब भी इसको चैन नहीं है। मेरी बेटी आयुषी को देख, वो मुझसे कभी कुछ मांगती ही नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात थी कि आयुषी कुछ भी नहीं मांगती। आयुषी अपने सहेलियों के साथ हर रोज शॉपिंग करने जाती थी और हर जगह घूमती और हर दिन बिंदु से नई नई चीजें मांगती। बिंदु उसकी हर बात को मानती थी। प्रतिभा काफी अच्छे स्वभाव की लड़की थी, वो जब भी किसी गरीब को देखती तो उसकी मदद कर देती। भले ही प्रतिभा के पास कुछ न होता, लेकिन प्रतिभा तब भी किसी तरह गरीब लोगों की मदद कर देती। लेकिन वहीं
आयुषी को गरीब लोगों से सख्त नफरत थी। आयुषी का अपनी खूबसूरती और अपने पैसों पर बहुत घमंड था और बिंदु भी उसको कुछ नहीं कहती थी क्योंकि दोनों माँ बेटी ही बहुत लालची किस्म की थी। उस घर में प्रतिभा को कोई भी प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो हमेशा ही उदास मन से रहती थी। आयुषी के पास कई रंग की नेल पॉलिश थी। वो जब भी नेल पॉलिश लगाती तो प्रतिभा की इच्छा होती कि वो भी नेल पॉलिश लगाए। उसे नेल पॉलिश लगाने का काफी शौक था लेकिन प्रतिभा को बिंदु नेल पॉलिश कहाँ ही दिलाने वाली थी। आयुषी अपनी रंग बिरंगी नेल पॉलिश प्रतिभा को नहीं दे रही थी। एक दिन वो सफाई कर रही होती है तभी उसे एक नेल पॉलिश मिलती है। प्रतिभा उस नेल पॉलिश को लगा लेती है और जब आयुषी उसके हाथ देखती है तो हंसते हुए कहती है इस नेल पॉलिश का कलर तो बिल्कुल प्रतिभा के जैसा धब्बा है। अब मुझे जो भी मिला मैंने लगा लिया क्योंकि तुम तो मुझे देने वाली हो ही नहीं और मामी भी मुझे नहीं दिलाती। आज तो तूने बोल दिया, अगर आज के बाद तूने मेरे से इस तरह से बात करी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं हूँ तो तुमसे बड़ी ना। तू कितनी भी बड़ी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू है तो इस घर की नौकरानी ना, और नौकरानी की तरह ही रह। ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर। इस घर में सिर्फ मेरी ही चलती है और सबको मेरी ही बात माननी पड़ती है। और अगर तू इस घर में रहकर मेरी बातों से खुश नहीं है तो तेरे लिए दरवाजा खुला हुआ है, तू जा सकती है। मुझे माफ कर दो आयुषी, मैं तुमसे कभी इस तरीके से बात नहीं करूंगी। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने। एक बार में तुझे कोई बात समझ ही नहीं आती। पता नहीं तेरी माँ तुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई, तुझको हमारे पल्ले छोड़ गई और तू हमारा यहाँ पर दिमाग खराब करती रहती है। इतना बोलकर आयुषी वहाँ से चली जाती है। आयुषी की ये बातें सुनकर प्रतिभा काफी ज्यादा निराश हो जाती है लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि अगर वो कुछ भी कहती तो आयुषी बिंदु से कहकर उसकी पिटाई करवाती और प्रतिभा को जो एक समय का खाना मिलता वो भी बंद करवा देती। प्रतिभा की जिंदगी में खुशी नहीं रहती थी। आयुषी के पास इतना था, अगर उसका आधा भी प्रतिभा को मिल जाता तो प्रतिभा अपनी जिंदगी खुशी से गुजारती। आयुषी के पास जितना था आयुषी उसमें भी खुश नहीं रहती। उसने हमेशा से ही लालच किया। आयुषी के पास काफी अच्छी अच्छी नेल पॉलिश थी। वो जब भी अपनी माँ या सहेली के साथ शॉपिंग करने जाती तो वो काफी सारी अच्छी अच्छी नेल पॉलिश लेकर आती लेकिन वो सारी नेल पॉलिश को लगाती नहीं थी, वो बस लाकर रख देती। ऐसे ही एक दिन प्रतिभा आयुषी के कमरे की सफाई करती है तो देखती है कि आयुषी के पास बहुत सारी नेल पॉलिश है। तो प्रतिभा आयुषी से कहती है अरे आयुषी, तुम्हारे पास इतनी सारी नेल पेंट है और तुम इनमें से कोई भी नहीं लगाती हो, तो इनमें से मुझे एक या दो नेल पॉलिश दे दो ना। तेरी औकात भी है इस नेल पेंट को लगाने की? तुझे पता है ये नेल पेंट कितनी महंगी आती है? लेकिन तुम तो इनमें से कोई भी नहीं लगाती हो ना, तो मुझे दे दो फिर। एक बार मना करने पर तेरे को बात समझ नहीं आती क्या? अभी बोलूं क्या माँ से? नहीं नहीं रहने दो, मुझे तुम्हारी नेल पेंट नहीं चाहिए। आयुषी हर बात पर प्रतिभा को माँ से पिटवाने की धमकी देती रहती थी और प्रतिभा भी डर से कुछ नहीं कहती थी। प्रतिभा की जिंदगी में मानो खुशी थी ही नहीं। प्रतिभा अपने आप को अकेला महसूस करती थी। एक दिन बिंदु प्रतिभा से कहती है मैंने तो कल कहा था ना कि जाकर जंगल से लकड़ियां लेकर आ, लेकिन तू सुनती कहाँ है? जा और अभी जाकर लकड़ियां लेकर आ, और अगर लकड़ियां लेकर नहीं आई तो घर मत आना। ठीक है माँ, मैं लेकर आ जाऊंगी, पहले खाना खा लेती हूँ फिर चली जाऊंगी। खाना बाद में खा लियो, पहले लकड़ी लेकर आ, और आकर तुझको खाना भी बनाना है, और अगर देर हुई तो बहुत पिटाई करूंगी मैं तेरी। फिर प्रतिभा भूखे पेट लकड़ी लेने जंगल चली जाती है। प्रतिभा जंगल में से लकड़ियाँ काट ही रही होती है कि तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है। पास में ही एक कुआ था और कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी थी। प्रतिभा कुएं में देखती है कि कुएं के अंदर बहुत सारी नेल पॉलिश रखी है। वो ये देखकर हैरान रह गई। प्रतिभा ने उसमें से कुछ नेल पॉलिश ले ली और पानी पीकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और मन ही मन बोली अरे कुएं में नेल पॉलिश कैसे हो सकती है, मैं सारी नेल पॉलिश को संभाल कर रख दूंगी। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा, अगर खाना नहीं बना तो माँ मुझे बहुत मारेंगी। प्रतिभा लकड़ियाँ और नेल पॉलिश को लेकर घर चली जाती है। फिर वो घर जाकर नेल पॉलिश संभाल के रख देती है और खाना बनाने लगती है और खाना बनाकर कमरे में आती है। कमरे में आकर वो नेल पॉलिश लगाकर देखती है तो तभी
उस नेल पॉलिश में से आवाज आती है, प्रतिभा मैं जादुई नेल पॉलिश हूँ, मुझसे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारी मामी और तुम्हारी बहन तुम पर बहुत अत्याचार करती हैं और तुमसे घर के सारे काम करवाती हैं। तुम इस जादुई नेल पॉलिश से घर के काम करने के लिए भी कह सकती हो। जादुई नेल पॉलिश की ये बात सुनकर प्रतिभा खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी मामी उसके कमरे में आती है और कहती है, यहाँ महारानी आराम से बैठी हुई है, कपड़े कौन धोएगा? ठीक है मामी, मैं ही धो दूंगी। और हाँ, कपड़े धोने के बाद मेरे और आयुषी के कपड़े इस्त्री भी कर देना। बिंदु वहाँ से चली जाती है और प्रतिभा भी कपड़े धोने चली जाती है। तब उसे याद आता है कि उसके पास जादुई नेल पॉलिश है। वो उसे सारे कपड़े धोने के लिए कहती है और तुरंत ही सारे कपड़े धुल जाते हैं। फिर प्रतिभा उन सारे कपड़ों को सुखा देती है। प्रतिभा आराम से अपने कमरे में बैठ जाती है। जादुई नेल पॉलिश की मदद से अपने सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर लिया करती थी। अब प्रतिभा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन प्रतिभा जादुई नेल पॉलिश को लगा रही होती है तो आयुषी प्रतिभा के हाथ देख लेती है और आयुषी उससे पूछती है, अरे प्रतिभा, तेरे पास इतनी अच्छी नेल पॉलिश कहाँ से आई? ये मुझे कुएं से मिली है। कुएं से नेल पॉलिश कैसे मिलेगी भला? मेरी बात का विश्वास करो आयुषी, ये मुझे कुएं से ही मिली है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तू ये नेल पॉलिश कहाँ से लाई है, मुझे नेल पॉलिश दे दे, मुझे इसका रंग बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं आयुषी, मैं तुम्हें नेल पॉलिश नहीं दे सकती। अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगी तो तुम मुझे कभी वापस नहीं करोगी। तू मुझे नेल पॉलिश देती है या मैं माँ को बुलाऊं? तुम मेरी मामी से जितनी मर्जी पिटाई करवा लो लेकिन मैं तुम्हें नेल पॉलिश नहीं दूंगी। फिर आयुषी बिंदु को बुलाती है और बिंदु प्रतिभा के हाथ से नेल पॉलिश छीन लेती है। तुझे समझ में नहीं आता है क्या? मेरी बेटी ने जब बोल दिया कि उसे नेल पॉलिश चाहिए तो तू उसे दे क्यों नहीं देती? मामी, ये नेल पॉलिश मेरी है और अगर मैं ये नेल पॉलिश आयुषी को दे दूंगी तो ये मुझे कभी वापस नहीं करेगी। वैसे भी तू इस नेल पॉलिश को लगाकर क्या करेगी? आयुषी बेटी, नेल पॉलिश को लगा ले और वैसे भी तेरे हाथ पर नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगती है। फिर आयुषी नेल पॉलिश को लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही आयुषी के हाथों में छाले पड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। माँ देखो ना, इस नेल पॉलिश को लगाकर मेरे हाथों में से कितना खून निकल रहा है। बोल प्रतिभा, तूने क्या किया है इसके साथ? फिर प्रतिभा जादुई नेल पॉलिश से कहकर आयुषी की चोट ठीक करवाती है और जादुई नेल पॉलिश कहती है, अरे प्रतिभा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तुम इन्हीं का भला कर रही हो। कोई बात नहीं नेल पॉलिश, आखिर ये है तो मेरा परिवार ही ना, आप मेरी बहन को पहले जैसा कर दीजिए ना। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हारी बहन को पहले जैसा ठीक कर देती हूँ। फिर जादुई नेल पॉलिश बिंदु और आयुषी को प्रतिभा से माफी मांगने के लिए कहती है। फिर वो दोनों प्रतिभा से माफी मांग लेते हैं। फिर वो जादुई नेल पॉलिश आयुषी का हाथ ठीक कर देती है। फिर उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।